नमस्कार दोस्तों, अनेक बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक्ट क्या होता है और लॉ क्या होता है। कई लोग एक्ट और लॉ को इंटरचेंजेबल टर्म समझते हैं, यानी दोनों को एक ही टर्म समझते हैं, लेकिन दोनों में बहुत गहरा अंतर होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट, एक्ट और लॉ में क्या अंतर होता है। यानी आज हम लोग कवर करने वाले विधि और अधिनियम में क्या अंतर है। आइए स्टार्ट करते हैं द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, लॉ का हिंदी में विधि कहा जाता है और उर्दू में से कानून कहा जाता है। अब लॉ जो है ये एक्ट से एक बड़ा टर्म है, यानी हर लॉ में एक्ट शामिल है लेकिन एक्ट में लॉ शामिल नहीं। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि जो कानून का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, कानून के अंतर्गत अधिनियम भी आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लॉ को समझते हैं, लॉ यानी विधि और कानून। तो कानून रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे नियम कायदे होते हैं जो समाज को प्रॉपर संचालित करने के लिए बनाए गए। तो लॉ आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर मेक टू रेगुलेट द सोसाइटी, प्रॉपर रेगुलेशन। तो समाज में एक ऑर्डर होना चाहिए, समाज में एक व्यवस्था होनी चाहिए, समाज में ठीक ढंग से सब काम होना चाहिए, सही तरीके से प्रॉपर संचालन होना चाहिए। इन सब चीजों के लिए कुछ नियम कायदे बनाए गए और इन नियम कायदों को जब राज्य ने मान्यता दे दी, राज्य मतलब केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने जब ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन को मान्यता दे दी तो उसे कानूनी रूप मिल गया, मतलब तब वो जाके कानून बने। तो सारे नियम कायदे कानून नहीं है, लेकिन ऐसे नियम कायदे जिनको राज्य ने मान्यता दी है वे कानून कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हमें किसी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, यह एक नियम है और इसी को कानून ने आईपीसी कानून बनाकर उसे क्या कर दिया, एक रिकॉग्नाइज कर दिया कि कोई व्यक्ति किसी को यदि चोट पहुंचाएगा, हर्ट पहुंचाएगा तो उसे सजा दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर दूसरा मैरिज लंबे समय से चलता आ रहा था, वैदिक काल से चलता आ रहा है, लंबे पौराणिक समय से चलता आ रहा है, तो इसी को मैरिज के लिए लॉ बन गया, राज्य ने रिकॉग्नाइज कर दिया कि मैरिज कैसे की जाएगी, कब की जाएगी। तो उसके जो नियम कायदे बन गए और मैरिज को रिकॉग्नाइज कर दिया तो विवाह का कानून बन गया, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो कानून वे होते हैं, ऐसे नियम और कायदे जिसको सरकार द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाती है, ऐसे नियम कायदों को कानून कहा जाता है। अब यदि हम अधिनियम की बात करें तो यहां पर एक्ट का मतलब होता है किसी लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा, यानी कानून बनाने वाली संस्था ने प्रॉपर डिस्कस करके पूरी प्रोसीजर अपनाकर किसी नियम कायदे को बनाया है। तो ऐसे नियम कायदे जो किसी लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे हमारे देश में संसद विधानसभा, संसद और विधानसभा हमारे देश की लेजिस्लेटिव बॉडी है, जिसे हम विधायी अंग कहते हैं। तो हमारे राज्य का एक अंग है जिसका नाम है विधायी, विधायी का मतलब होता है लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। तो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट द्वारा सबसे पहले तो कुछ नियम कायदे को कच्चे रूप में बनाए जाते हैं, जिसको हम रफ ड्राफ्ट कहते हैं, जिसको हम बिल भी कहते हैं। तो बिल बनाया जाता है लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा, बिल बनाया जाता है और ये बिल एक प्रक्रिया के तहत, यानी प्रक्रिया क्या होती है हम सभी को पता है। जैसे हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होती है, उन दोनों सदनों में बिल को प्रस्तुत किया जाता है, बिल को पढ़ा जाता है, बिल पर बहस होती है और उसके बाद दो तिहाई बहुमत से पास होने के बाद यही प्रक्रिया दूसरे हाउस में अपनाई जाती है। यदि ये काम अपर हाउस में हुआ है तो लोअर हाउस में अपनाई जाएगी और जब दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति अथवा गवर्नर के इस पे हस्ताक्षर हो जाते हैं, तब जाके बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है। तो लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा बिल बनाया जाता है, कच्चा रफ ड्राफ्ट बनाया जाता है और वही रफ ड्राफ्ट आगे चल के पास होने पर एक प्रक्रिया अपनाने के पश्चात पास होने पर एक्ट का रूप ले लेता है। तो ये एक्ट भी कानून होता है, लेकिन ये एक्ट जो होता है एक पर्टिकुलर किसी फील्ड यानी पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाया जाता है। इसमें सेक्शंस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, इसमें धाराएं होती है, अनुच्छेद होते हैं। उदाहरण के तौर पर आईटी अधिनियम, आज साइबर क्राइम को साइबर क्राइम या कंप्यूटर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आईटी एक्ट बनाया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो वर्ष 2000 में आईटी एक्ट बनाया। तो ये एक्ट है, एक्ट लॉ भी होता है लेकिन यहां पर एक्ट जो होता है एक पर्टिकुलर विषय से संबंधित होता है। अब हम दोनों के डिफरेंस को आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लॉ और एक्ट को समझते हैं। स्कोप, जैसा कि मैंने आपको बताया जो क्षेत्र है कानून का क्षेत्र जो है बहुत ही विस्तृत है, लार्ज एरिया, कानून में सारी बातें कवर होती है, कानून में कस्टम ट्रेडिशंस भी आ जाते हैं, कानून में प्रथा परंपराएं भी आती है, कानून में न्यायिक निर्णय भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं वो भी लॉ के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस प्रकार लॉ में कन्वेंशंस आ जाती है, अभी समय आ जाते हैं। तो इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है लेकिन इसका क्षेत्र लॉ के कंपेरेटिवली छोटा होता है। एक्ट जो होता है वो पर्टिकुलर किसी पॉइंट को लेकर बनाया जाने वाला कानून माना जा सकता है। एरिया,
तो ये एक लार्जर पिक्चर देता है लॉ जो है, जैसे फैमिली लॉ, तो फैमिली लॉ एक लार्जर पिक्चर दे रहा है, लेकिन फैमिली लॉ के अंदर के जो पार्ट है मुस्लिम लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, तो ये पर्टिकुलर कानून के अंदर के सब पार्ट हम एक्ट को कह सकते हैं। तो एक्ट जो होता है एक पर्टिकुलर चीज पे बनता है, उदाहरण के तौर पर जैसे कंपनीज एक्ट 1956, तो कंपनीज एक नाम से स्पष्ट है, कंपनी अधिनियम यानी कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए जो कानून बनाया उसका नाम है कंपनीज एक्ट 1956। तीसरा डिफरेंस देखें लॉन्ग पीरियड, ये लॉ जो रहता है इसका एक बहुत पुराना इतिहास होता है, लॉ बनने में एक इवोल्यूशन पीरियड होता है, इवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे लॉ इवॉल्व होता है, तो लॉ को एस्टैब्लिश होने में लंबा समय लगता है, लेकिन अधिनियम कभी भी लेजिस्लेटिव बॉडी बना सकती है, लेजिस्लेटिव बॉडी जो है जैसे पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो कभी भी बना सकती है, इसका कोई लंबा इतिहास अधिनियम का नहीं होता है। तो लॉ का इतिहास जो है बहुत लंबा रहता है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बड़ा होता है। और हम यदि बात करें कस्टम ट्रेडिशंस को भी स्थान लॉ में मिलता है, एक्ट में कस्टम ट्रेडिशन को स्थान नहीं मिलता है, जब तक कि लेजिस्लेटिव बॉडी उस कस्टम या ट्रेडिशन को अप्रूव ना करे तब तक वो कस्टम ट्रेडिशन एक्ट नहीं बन पाते हैं। तो कस्टम ट्रेडिशन में आपने देखा होगा धाराएं नहीं होती है, अनुच्छेद नहीं होते हैं, लेकिन यदि एक्ट बन जाए तो एक्ट के अंदर धाराएं अनुच्छेद होते हैं, सिस्टमेटिक कोडिफिकेशन होता है। तो ये है मित्रों डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एक्ट। आई होप कि अब आप लॉ और एक्ट के बीच में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कानून और एक्ट क्या होता है। आज हम सभी लोगों ने देखा कानून को, एक्ट को और दोनों के बीच में डिफरेंस को। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।